सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल न्यू अपकमिंग 2022 TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। TGS वगैरह आ चुके हैं एंड कल जो है इसका लॉन्च है, तो लॉन्च जो अपने चैनल पे लाइव चलेगा एंड डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा जैसे ही लॉन्च होगा। उसके बाद आपको बता दूंगा इसमें ढेर सारे नए चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ टीजर्स हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, उसके अलावा भी इसमें ढेर सारे नए चेंजेस देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ कमी हमें पहले लगती नहीं थी, लेकिन कमी एक ही लगती थी जो है इसकी जो रेंज है ना वो बस थोड़ी कम लगती थी। बाकी सब कुछ जो है इस काफ़ी अच्छा था, परफेक्ट था। मतलब किसी चीज़ की या फिर किसी फीचर की कोई कमी यहाँ पे मेरे को नहीं लगी। बाकी जो है आपको भी पता है कि इसमें क्या कुछ कमी थी और क्या नहीं थी। सिर्फ एक रेंज की ही कमी जो है हमेशा से लगी थी, जो कि काफ़ी कम दे रखी थी कंपनी ने इसमें, जो कि लगभग 75 के अराउंड मिलती थी। लेकिन आपको बता दो, अभी जो नया अपडेट आ रहा है ना उसमें ये कुछ हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। हैशटैग आपको बताता हूँ, जो हैशटैग इन्होंने डाला है वो है गाइस 123 करके है कुछ। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या था वो। जो एग्जैक्ट हैशटैग था वो गाइस ये था, द स्टोरी ऑफ 123। तो द स्टोरी ऑफ 123 का क्या मतलब यहाँ पे समझ में तो मेरे भी ज़्यादा नहीं आया। बट हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 123 का मतलब ये हो सकता है कि 123 इसकी रेंज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ शायद ही हो। बट हाँ, इतना कंफर्म है कि लगभग इसकी 75 से 100 तक रेंज आपको मिल जाएगी इसके नए मॉडल में। इसका जो है नया अपडेट आने वाला है, पहले वाला जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा जब ये आ जाएगा तो। एंड इसमें जो थोड़ा बहुत लुक्स भी चेंज हो सकता है, थोड़े बहुत जो है कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे। मेन जो है रेंज बढ़ा दी जाएगी, लगभग 100 किलोमीटर्स तक कर दी जाएगी। एंड कल जो इसका लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग जो है दिन में 2 बजे, दोपहर के 2 बजे मस्त एसी कूलर चला के आ जाना अपने चैनल पे, जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो कल जो इसका लॉन्च होने वाला है एंड ढेर सारे नए चेंजेस है जो कि आपको कल पता चल जाएंगे। इसकी जो प्राइस है वो देखते हैं कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती है, तो वो चीज़ भी कल पता चल जाएगी। आज की वीडियो में इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आपको अपडेट देना था कि इसका जो नया मॉडल है वो कल लॉन्च होने वाला है और रेंज वगैरह तो भाई बढ़ी जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक का जो अपडेट आया है ना तो रेंज तो बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की तरह नहीं है, या फिर बोलूँ पेट्रोल डीजल तो इनमें आते ही नहीं है कि उनकी तरह सिर्फ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस। इसमें तो भाई साहब अपडेट आ रहे हैं, तो समझ लो रेंज अपडेट की जा रही है, रेंज बढ़ाई जा रही है, रेंज कम नहीं होगी जैसे कि गाड़ियों में भी होता है। तो यहाँ पे जो है रेंज वगैरह बढ़ जाएगी और देखते हैं, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि कितनी रेंज होती है कितनी नहीं होती है। बाकी जो है इसे तो कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। सो तब तक के लिए जो है आप लोग वेट करो वीडियो के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।